हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस यार, आज मैं शिनचैन को लेके जा रहा हूँ अपने गांव जहाँ पे मैं बचपन में रहता था। मैं यार कोई सिटी विटी में रहता नहीं था, मैं एक गांव में रहता था जहाँ पे आज मैं शिनचैन को लेके जाने वाला हूँ। शिनचैन बिल्कुल तैयार हो गए, अभी उसको लेके चलते फटाफट से अपने गाँव जाके अपन पहले रहते थे। तो शिनचैन तू बिल्कुल तैयार ना है? अरे है फेकी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, जल्दी चलो ना यार। अरे हाँ, चल रहा हूँ। तो गाइस यार, अपन चलते अपने गाँव में, आपको भी दिखाता हूँ मेरा गाँव यार कैसा दिखता है। तो गाइस यार, हम बस यार यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं। यहाँ पे मुड़ते ही हमारा गाँव स्टार्ट हो जाएगा और हम गाँव के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारी झोपड़ियां हुई करती थी, अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का लगता है कुछ काम वाम चल रहा है। भाई मुझे लगता है अपना गांव यार अपग्रेड होने वाला है। और सामने यार दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे रहता था। हम रहते थे यहाँ पे, साइड में मुड़ते हैं पहले, तो वहां पे बाद में चलेंगे। पहले ये रहा मेरा घर, बस ये आ ही गया जहाँ पे पहले मैं रहता था। अबे ये घर ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई साहब, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये घर को क्या हो गया? अरे भाई साहब, हम इस घर को तोड़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है। अबे क्यों खाली हो रहा है? अरे भाई साहब, हमको तो बॉस ने ऑर्डर दिया इसलिए खाली कर रहे हैं, हमको क्या पता क्यों खाली हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अबे ये गांव क्यों खाली हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे लगता है सारे सारे गांव वाले कहीं और जगह जा रहे हैं। चलो उनसे पूछते पहले, देखते हैं। यहाँ पे मैं बहुत यार खेला करता था यार, बहुत बिल्कुल ढंग से याद आ रहा है। मैं और मेरे दोस्त मिलकर कितना ज्यादा खेला करते थे यहाँ पे। तो अभी अपन चलते अपने किसी गाँव वाले को ढूंढते, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और भाई सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल सेम के सेम लगी है भाई, कुछ भी नहीं बदला। चलो यार यहाँ पे चलते, देखते हैं यहाँ पे कोई है क्या लोग। अरे यहाँ पे दो तीन लोग खड़े, चलो इनसे चल के पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये गांव के वो सारी चीजें तोड़ क्यों रहे, मतलब ये सारा सारा क्या चल रहा है। चलो इनसे फटाफट चल के पूछते हैं। और यहाँ पे तो गाय अभी तक खड़ी है। अरे बेटा फ्रैंकलिन हो क्या तुम? अरे अंकल मैं तो फ्रैंकलिन हूँ, आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे बेटा भूल गए क्या, मैं हूँ रामू काका। अरे रामू काका आप? अरे हाँ बेटा, ये देखो हमारी गाय। अरे भाई साहब, ये तो वही गाय जिसके साथ मैं खेला करता था। अरे हाँ बेटा, ये वही गाय है। अरे भाई साहब, ये अभी तक है और आप मुझे जानते भी हो? अरे बेटा हम तुम्हें जानते हैं। और ये तो वही गाड़ी जिसमें मैं दूध देने जाता था। अरे हाँ बेटा वही गाड़ी है। अरे रुको, मैं इसमें घूम के आता। भाई कितने टाइम से इस गाड़ी पे मैं घूमा नहीं था। तो गाइस यार, इस वाली गाड़ी पे यार मैं यार मस्त यार दूध देने जाया करता था। रुको मैं शिनचैन को दिखा के आता अपना गाँव वाँव। अभी यहाँ पे सबका सब सूखा की कोड़ा, यहाँ पे तो नदी थी उससे तो कभी सूखा पड़ता ही था। चलो जाके देखते नदी कैसी है। तो गाइस यार, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके भी फॉलो कर लेना। और हम ये नदी के पास आ चुके। एक सेकेंड, अरे भाई साहब यहाँ पे नदी थी ना, कहाँ चली गई? अबे ये नदी कहाँ चली गई? अबे नदी किसने गायब कर दी? अरे भाई साहब यहाँ पे नदी हुआ करती थी ना। अरे भाई साहब लगता है बहुत दिनों बाद आए हो यहाँ पे। यहाँ पे एक गुंडे ने सारी नदियाँ ब्लॉक कर दी है और वो पूरा का पूरा गांव खाली भी करवा रहा है। इसलिए हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए हमारे खेत सारे सूख पड़े हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो हमें सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। अरे ये क्या चल रहा है, ये कौन गांव कौन खाली करवा रहा है? अरे बेटा है गुंडा है, उसने बोला है हमको ये गांव खाली करना पड़ेगा या फिर उसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हमारे पास 50 लाख नहीं है, इसलिए हम गांव खाली कर रहे हैं। क्या गांव खाली कर रहे हो? अरे भाई यहाँ पे तुम्हें पैदा हुआ था। अरे नहीं, ये मैं नहीं उन्हें दे सकता। आप टेंशन मत लो, मैं आपको पैसे ला के दूंगा। मैं आप ये गांव यार खाली नहीं होने दूंगा। अरे बेटा, अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपके पैसे ला के रहूंगा। तो गाइस सर, अभी हमको इनकी मदद करनी पड़ेगी। अरे है फेकी, इनकी मदद तो जरूरी करनी पड़ेगी। तो गाइस सर, हमने सोच लिया कि इनकी मदद करके रहेंगे, इनको यार 50 लाख कैसे करके ला के देंगे। और इनके यार गाँव की हालत यार बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रखी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, हमने यार अपने लिए यार बहुत सारी चोरियां कर ली, पर अब आ रही है हमारे गाँव के लिए चोरी करने की। तो आज हम करेंगे बहुत ही बड़ी चोरी अपने गाँव के लिए। तो अभी हम बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी गन साथ में लेके आ चुके इस बैंक में, और इस बैंक में हम चोरी करने वाले हैं। और जितने ही पैसे हमें मिलेंगे हम वो गांव वालों को देंगे ताकि वो उस वाले गांव में रह सके। एक काम करते हैं, उनको गांव में क्या, उनको शहर में लेके आते हो कि वो कब से गांव में रह रहे हैं। तो अभी अपन फटाफट से चलते हैं इस बैंक के अंदर, चोरी करते हैं। आ गया मैं। अबे ओ सारे सारे पहले कैमरा तोड़नी पड़ेगी यहां पे, कैमरा की, इसको कैमरा को फटाफट से तोड़ते हैं। कोई सब सबके सब नीचे बैठे चुपचाप, कोई भी हरकत करेगा नहीं। पहले सारे सारे मुझे कैमरा फोड़ने, तो चुपचाप खड़े रहो। आंटी लेटे रहो, हिलना भी मत वरना गोली मार दूंगा। कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। ये वाला मैंने कैमरा तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, और कोई कैमरा तो नहीं। सर आज पहले कैमरा तोड़ूंगा, फिर यार अंदर अपन चोरी करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते कोई कैमरा है क्या, है क्या यहाँ पे। और यहाँ पे कैमरा, इसको भी फटाफट से तोड़ते। तो मेरे सारे सारे कैमरा तो तोड़ दिए, अभी फटाफट से बैंक वालों को बाहर बुलाते। अरे ओ मेरी बात सुनो, चुपचाप बाहर आओ और वो बैंक का लॉकर खोल के दो। कोई भी शाण पत्ती करी तो सीधा गोली से भून दूंगा। जल्दी बाहर निकलो। ओ मैडम जल्दी बाहर निकलो। तो कहे सर अभी बस ये बाहर आ रही है, इसको फटाफट से बैंक का लॉकर खुलवाते हैं। फिर अपन को बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिनके हम गांव वालों की मदद कर पाएंगे। अरे ओ कोई भी हिलेगा नहीं, सीधा पता है ना कैसे गोली मारता हूँ मैं, डर डर कर तो उड़ा दूंगा सबको।
इसको छन्नी छन्नी कर दूंगा। अरे वो कल तक का टाइम नहीं, जल्दी जल्दी खोलो। अरे जल्दी पासवर्ड डाल, पासवर्ड भूल गए क्या? और ये खोल दिया इसने जल्दी, अपने बंदे फटाफट से चलते। और किसी को भी बताया ना कि मैं आया था चोरी करने, सबको भून दूंगा। यहाँ पे फटाफट से इनके सारे के सारे लॉकर में हाथ डालते और फटाफट से चोरी करते, फटाफट से ड्रिलिंग करते और सारा सारा पैसा निकालते। बिल्कुल ढंग से ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो बस ये होने ही वाला, और ये बस आराम से और ये हो गया भाई साहब। आखिरकार मैंने ये कर ही दिया, फटाफट सारा पैसा अपने इसके अंदर डालते। मैंने एक यार सबसे मेन वाला लॉकर खोला था जिसमें सबसे ज्यादा पैसे होते, तो अभी मुझे मिल चुके 62 लैक्स। उरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे। तो हमारा काम तो हो चुके, फटाफट से पूरे के पूरे बैंक में स्मोक फैला देते और अपन यहाँ से निकल लेते हैं और सीधा गाँव वालों के पास चलते, उनको पैसे देते। और एक काम करते हैं, एक यार बड़ी सी बिल्डिंग बुक कराते जहाँ सारे वो गाँव वाले रह पाएंगे, वो भी शहर के अंदर। तो फटाफट तो चलते हैं। ओ बड़ा, मैंने बोला था ना पैसे दे वरना गांव खाली कर, अब तू मरेगा। अरे ऐसे कैसे मरेगा, अभी तेरे को बता रहा हूँ, साले गुंडे हम पे कब्जा करेगा ये मेरा गांव में निकलने से। अरे तू कौन है? मैं कौन हूँ? तेरी 12 बजाऊंगा साले। अरे काले कलूटे बैंक का लूटे। अबे ज्यादा बोल रहा है, मेरे को ये निकल यहाँ से, मेरे को काला बोलेगा। अबे ओ तुम सबके सब निकलो ऐसे, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अबे निकलो ऐसे चुपचाप। अरे हमारे बॉस को मारते हूँ। अबे तेरे बॉस को क्या, तेरे को भी मारूंगा। चुपचाप निकल रहे हो कि निकालू अपनी बंदूक? अरे हम तेरे से बदला जरूर लेंगे, चलो यहाँ से बॉयज। तो अभी यार मैंने उनको भगा दिया, आप टेंशन मत लो। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप टेंशन मत लो, अब आपको यार इस गाँव में रहने की जरूरत नहीं है। अरे तो हम कहाँ पे रहेंगे? अरे आप टेंशन मतलब, मैंने आपके लिए यार बहुत ही बढ़िया वाली जगह बुक कराई है, वो भी शहर के अंदर। अब आप से यार शहर के अंदर रहने वाले हो, मैं आपके यार बुरी की बुरी अरेंजमेंट कराता हूँ वहाँ पे आने की। मैं यार बस भेजता हूँ, आप उसमें आ जाना। तो गाइस अभी अपन यहाँ से चलते हैं, हमने उन गुंडों को तो भगा दिया है, इनके यार अपन पूरी की पूरी अरेंजमेंट कराते हैं, अपने किसी दोस्त वोस्त से बात करते हैं ताकि वो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बुक कर सके सारे सारे गाँव वालों के लिए। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने शहर और बात करते हैं, इनकी पूरा पूरा अरेंजमेंट कराते हैं। तो आप बताइए यार आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रहने में? अरे बेटा ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, ऐसी जगह तो हमने सपने में भी नहीं देखी थी। तो गाइस सर हमने यार इनको पूरा का पूरा यहाँ पे सेटल करा दिया, हमने पूरी बिल्डिंग बुक करी है। इसमें यार पूरे के पूरे 50 फ्लोर है जहाँ पे सारे सारे गाँव वाले रह रहे। ये वाली बिल्डिंग में सारे के सारे गाँव वाले रहने लग चुके हैं, इनका सारा खाना पीना सब इधर बिल्कुल फ्री है। हमने सारे सारे पैसे इनको दे दिए, जो भी हमने सारे सारे पैसे बैंक से चुराए थे वो हमने उनको दे दिए, मतलब सारी सारी उनकी यार पूरी जिंदगी पर वो आराम से रह सकते हैं। तो हमने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वाला काम कर दिया, शिनचैन भी उनके साथ अभी बैठा है। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाकर फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।